बता दूंगा कि बिल्कुल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर उसमें स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेरे से कंसल्ट करने के लिए भी नंबर दिया हुआ है, ऐसी कोई परेशानी नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए भी मेरे को प्लान चाहिए, ये घूम के ऐसे ही बिना उसके जो लोग कर लेते हैं ऐसे वास्तु नहीं होता है। फॉर वास्तु दी वास्तु प्लान, घर का जो लेआउट प्लान है उसकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसके बाद आपके घर को ग्रेड करके ये तो पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जैक्ट टॉयलेट की पोजीशनिंग क्या है, एग्जैक्ट किचन की पोजीशनिंग क्या है, आपका एंट्रेंस की पोजीशनिंग क्या है, ठीक है, आप कहाँ सो रहे हो, वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। जब एक बार उसको समझ लेते हैं तो सॉल्यूशंस बड़े आसान है, मैं आपको बताता हूँ। और कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ, वास्तु के अंदर किसी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ एक चीजों को छोड़ के, बहुत कुछ एक चीजों को छोड़ के, ये मान के चलिए 1% चीजों को छोड़ के, वास्तु बिना किसी तोड़फोड़ के किया जा सकता है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन फॉर वास्तु कंसल्टेशन। मैं सॉल्यूशन पिछले कई सालों से बिना किसी तोड़फोड़ के करता हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो बेटर यू शुड हैव अ लेआउट प्लान। फोन पे शो पे करके करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। जितना समय मिलेगा शो पर लूंगा, और ऑफिस तो खुला ही है आप लोगों के लिए, काम ही ये है, तो आप आके ऑफिस में मिल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे उस स्टोरी की, कंदकासुर और भगवान शिव की। तो यहां से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, और वास्तु पुरुष मंडल कहलाया वो पद जहां पर देवता और राक्षस निवास करते हैं। अब जब वे निवास करते हैं तो क्या होता है, वे अपने अनुसार लोगों को फल देते हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से चीज समझाता हूं कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं, ये समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूं। देखिए, ब्रह्मा को इस स्टोरी में क्या लिया गया है, मेरा अवचेतन मन। शिव क्या है, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। अंधकासुर क्या है, असुर, जो सुर में नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी फील्ड। मैंने कोई कार्य किया, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, और मेरे मन में जैसे ही वो ख्याल आया, एक दूसरा ख्याल मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि यार शायद मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये क्या है, ये है नेगेटिव एनर्जी फील्ड, जिसने आपको तुरंत उस काम को करने से रोका। अब जैसे ही आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को ओवरकम किया, आप उस काम को कर पाओगे। और यदि आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को या असुरी तत्व को अपने ऊपर विचारों को आने दिया, तो हम उस काम में फेल हो जाते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर किसी काम को करने से पहले 50 बार सोचता हूं और मैं अपने कामों को सिद्ध नहीं कर पाता हूं, मेरी लाइफ में नए अवसर नहीं आते हैं, मैं सामाजिकता से लोगों से जुड़ नहीं पाता, मैं अपने मन में, मैं अपनी बौद्धिक क्षमता में, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उस तरीके से विचार नहीं कर पाता, मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे फेम या रिलैक्सेशन या यश या वैभव नहीं मिलता है, मैं अपने संबंधों को ढंग से चला नहीं पाता हूं, मैं अपनी स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाता हूं। कई लोग बहुत दक्ष होते हैं लेकिन वो अपने स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैं अपने किए गए कार्यों में ढंग से गेंद नहीं ले पाता, मेरे द्वारा किए गए कार्य से मुझे उतने लाभ नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, मेरे को टाइम पर सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का, मेरी लाइफ में वो अट्रैक्शन नहीं है जो आना चाहिए मेरे और मेरे पति के, पत्नी के बीच में, या पति और पत्नी के बीच में। यदि कोई अट्रैक्शन में कमी है, वास्तु भी इसका एक कारण है। यदि हम ओवर चिंता करते हैं, ओवर एनालिसिस, किसी बात में बिना बात के मंथन करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, यह भी वास्तु की वजह है, यह भी वास्तु का एक कारण है।